नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित परारकर और ये है होंडा की CB350 हाइनेस। आप ऑलरेडी जानते हैं इस गाड़ी को, तो क्या कर रहे हैं हम इसके साथ? ओके, सो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। होंडा ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है विच इज़ माई CB माई वे। तो ये 6 अलग अलग इंस्पिरेशन किट्स हैं। दीज आर एक्सेसरी किट्स दैट यू कैन बाय विथ योर CB350 हाइनेस एंड मेक इट लुक डिफरेंट, मेक इट सूट योर कैरेक्टर। तो क्या है ये किट्स, आइए देखते हैं। तो चालू करते हैं टूरर कस्टम के साथ। सो टूरर किट जो है, इसमें ये बेसिकली जैसे नाम में आपको पता चल गया होगा, ये टूरिंग कम्युनिटी के लिए बनाया गया है या फिर टूरिंग राइडर के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए सीट की तरफ, यू नाउ गेट अ स्प्लिट सीट। तो 2023 की जो हाइनेस है उस पर अभी आपको स्प्लिट सीट अरेंजमेंट मिलेगा, यू विल नॉट गेट दैट सिंगल सीट। RS पे वही जो रिब सीट था वही मिलेगा, लेकिन जो रेगुलर हाइनेस है उस पर आपको अभी स्प्लिट सीट मिलेगा। इसका कुशनिंग जो है वो चेंज कर दिया गया है, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट, सॉफ्टर है कि हार्डर वो उन्होंने अभी तक बोला नहीं है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट के लिए इसको बनाया गया है। दिस इज़ नॉट अ डिफरेंट टूरिंग सीट, दिस इज़ द स्टैंडर्ड सीट नाउ ऑन द हाइनेस। तो आपको हाइनेस पे 2023 से यही वाला स्प्लिट सीट मिलेगा। द कलर्स माइट बी डिफरेंट, इट माइट बी ब्लैक, इट माइट बी टैन, डिपेंडिंग ऑन द कलर यू चूज़, लेकिन ये आपको अरेंजमेंट मिलेगा। इसका जो शेप है, यहाँ जो शैम्फरिंग थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, ये अलग शेप दिया गया है टू इंक्रीज लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट। आपको एक नया पैटर्न भी नज़र आएगा एंड दिस इज़ द पिलियन सीट। तो टूरिंग जो टूरर कस्टम है उसमें आपको इसेंशियली दोनों सीट मिल जाते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, बट इसमें आपको दोनों सीट मिलते हैं। यू ऑल्सो गेट अ कैरियर रैक एट द बैक और बाजू में ये सैडल स्टेज आपको नज़र आएंगे। यू विल गेट दीज सैडल स्टेज सैडल बैग्स के लिए। तो टेल बैग प्लस सैडल बैग प्लस योर पिलियन, ऑल ऑफ यू कैन गो टुगेदर। तो दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ दिस। और टूरिंग के चलते आपको यहाँ पे एक वाइडर फुट पैग भी मिलता है फॉर बेटर कम्फर्ट। और हाईवे पे चलाने के लिए आपको ये टॉलर विंडस्क्रीन जो है वो मिलता है। CB350 RS के साथ छोटा वाला फ्लाई स्क्रीन उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, दैट वॉज अ पार्ट ऑफ द एक्सेसरीज लिस्ट, लेकिन यहाँ पे अभी आपको टॉलर विंडस्क्रीन मिलता है। और वैसे ही यू विल ऑल्सो गेट दीज नकल गार्ड्स। तो ये नकल गार्ड्स पे आप देख सकते हैं अंदर से कोई मेटल ब्रैकेट है नहीं, दीज आर प्लास्टिक, दीज डीफॉर्म क्वाइट ईजिली। सो एसेंशियली ये आपको विंड प्रोटेक्शन देगा, थोड़ा बहुत वेदर प्रोटेक्शन देगा ऑन कोल्ड राइड्स, प्लस एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे कोई वेजिटेशन के थ्रू चला रहे हो, पेड़ों के थ्रू चला रहे हो, पौधों के थ्रू चला रहे हो, तो आपको थोड़ा सा वहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा। और अगर आप सॉफ्ट सर्फेस पे इसको ड्रॉप करोगे गाड़ी को, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट योर हैंड्स, लेकिन रॉकी सर्फेस, हार्ड सर्फेस, दिस इज़ लाइकली टू ब्रेक। सो प्लीज़ इसको ऐसे यूज़ करिएगा कि यू नो व्हाट इट इज़ मेंट फॉर, डोंट टेक इट टू रॉकी टेरेन एंड एक्सपेक्ट कि बाइक गिर जाएगा तो आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो या, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द टूर कस्टम। इसमें कुछ कॉमन चीज़ें भी आपको अलग अलग नज़र आएंगी जो सब इंस्पिरेशन किट्स में होंगी, जो मैं अभी पॉइंट आउट कर देता हूँ। जैसे कि ये क्रोम ब्रैकेट, ये एक छोटा सा जो क्रोम पैनल है, नॉट ब्रैकेट, क्रोम पैनल है, इट सिट्स ऑन टॉप ऑफ दिस पैनल, इट जस्ट बोल्ट्स ऑन टू इट। ये अलग पैनल है, दिस और बोल्ट्स एंड स्टिक्स ऑन टू इट एसेंशियली। सो दिस इज़ वन, यू कैन जस्ट बाई इट सेपरेटली। अगर आपके पास ऑलरेडी हाइनेस है तो आप ये पैनल ऑलरेडी खरीद सकते हो, यू कैन जस्ट स्टिक इट ऑन टॉप ऑफ योर एग्जिस्टिंग हाइनेस का पैनल। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो बाई दी स्प्लिट सीट्स एंड पुट देम ऑन योर हाइनेस। अगर आपको आपके हाइनेस का कम्फर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, यू वॉन्ट समथिंग मोर कम्फर्टेबल, यू कैन गेट दो सीट्स। यू ऑल्सो हैव दिस इंजन कम लेग गार्ड जो क्रोम में फिनिश किया है, और एक नीचे की तरफ भी एक एडिशनल गार्ड आपको मिलता है। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली रोबस्ट बैश प्लेट, बट यू गेट दैट एडिशनल गार्ड डाउन देयर, प्लस ये फोक कवर्स आपको मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन पार्ट्स, दीज गार्ड्स, दिस फोक कवर, दिस पैनल, दीज आर समथिंग दैट यू विल सी अक्रॉस ऑल दोज 6 मोटरसाइकिल्स दैट आई एम गोना शो यू। तो मैं बार बार उन चीज़ों को रिपीट नहीं करने वाला। तो अभी मूव होते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ, लेट्स स्विच दिस ऑफ। टूरर कस्टम के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं द कंफर्ट कस्टम। थोड़ा सा एक क्रूज़र वाला वाइब है इसमें, थोड़ा सा क्रूज़र टाइप अपीयरेंस है इसका, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रियर सीट। अगेन जो हैंडल बार पोजिशनिंग है उसमें कोई चेंज नहीं है, हैंडल बार ज्योमेट्री एवरीथिंग रिमेंस द सेम, फुटपैक ज्योमेट्री रिमेंस द सेम, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रियर सीट, जहाँ एक थोड़ा मीटियर टाइप का, थोड़ा क्रूजर टाइप का आपको अपीयरेंस इसमें मिल रहा है। तो पीछे की तरफ अगर देखें तो आपको ये बैकरेस्ट मिलता है इसमें, देन यू ऑल्सो गेट
दीज ग्रैब रेल्स और जो सैडल्स थे हमने देखे थे टूरर कस्टम के ऊपर, वही वाले इस कम्फर्ट कस्टम में भी आपको मिलते हैं। अभी सैडल स्टेज तो हैं, लेकिन अगर आप सैडल बैग डालोगे, स्पेशली जो सैडल बैग्स जहाँ दोनों सैडल बैग्स एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं, देयर इज़ अ बिग पीस ऑफ क्लॉथ, अगर वो वाला डालोगे थोड़ा सा टेंशन होने वाला, इजीली बैठेगा नहीं वो बिकॉज ऑफ द एंगल हियर, वो यहाँ पे थोड़ा फोल्ड होगा, इट मे नॉट सिट प्रॉपरली। सो आई थिंक दे नीड टू डिज़ाइन दिस सेपरेटली और डिज़ाइन इट इन अ डिफरेंट मैनर सम हाउ। तो ये आई एम नॉट श्योर हाउ वेल इट्स गोना वर्क फॉर सैडल बैग्स, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सैडल बैग somehow इसके ऊपर माउंट कर सके तो यू हैव दीज सैडल स्टेज राइट हियर एंड यू हैव दिस पिलियन बैकरेस्ट एज वेल, बट यू डू नॉट गेट द कैरियर जो हमने टूरिंग कस्टम पे देखा था, वो वाला पीछे का कैरियर आपको नहीं मिलता। सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिट, दैट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिट। इस पर भी आपको नकल गार्ड्स और टॉल विंडस्क्रीन नज़र आएगा ऑन द कम्फर्ट कस्टम, और जो कॉमन पार्ट्स मैंने बोले थे वो सब भी आपको नज़र आएंगे। इसके व्हील्स पे आपको कोई रिम टेप्स नहीं मिलते, बाकी गाड़ियों पे आपको अलग अलग कलर के रिम टेप्स नज़र आएंगे, बट इट्स गोना बी अ पार्ट ऑफ द एक्सेसरीज, इवन इफ इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द किट, आप रिम टेप्स अलग से ख़रीद के उसको इस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट अप इज़ द CB350RS कैफे रेसर कस्टम, और मेरे ख्याल में जो CB350RS मोटरसाइकिल थी, दिस इज़ हाउ इट शुड हैव बीन लॉन्च्ड, ऐसे उसका लॉन्च होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन द डिज़ाइन, दैट वुड हैव बीन द परफेक्ट डिज़ाइन। लेकिन 2023 में आप इस एक्सेसरी किट को खरीद सकते हो, इस इंस्पिरेशन किट को खरीद सकते हो, एंड दिस इज़ व्हाट इट विल लुक लाइक। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द कलर इफ़ यू वॉन्ट, दिस वन कम्स इन रेड, उसका एक और कलर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको कुछ कॉम्बिनेशन करना है या फिर मे बी इसके ऊपर कुछ डिकेल्स वगैरह लगाना है, यू कैन डू दैट ऑन योर ओन, मे बी टू कंटिन्यू दीज काइंड ऑफ डिकेल्स, यू सी दीज डिकेल्स इफ यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू देम हियर, आई थिंक इट विल लुक क्वाइट नाइस, तो वो भी आप कर सकते हो। इस पर आपको लाल रंग का रिम स्ट्राइप मिलता है, और जो लेग गार्ड है या इंजन गार्ड है वो आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है इस पर। सिमिलरली पीछे अगर आप देखोगे तो यू गेट दिस डिफरेंट काउल, सो दिस काउल इज़ रिमूवेबल ऑफकोर्स, इसमें आपका सीट जो है इट इज़ स्टिल अ ड्यूअल सीट, लेकिन ये रिमूव करके यू कैन देन यूज़ द पिलियन साइड एज वेल, और वीकेंड राइड्स पे अगर आपको पिलियन साइड नहीं दिखानी है, आपको ये लुक कंप्लीट करना है, तो यू कैन जस्ट बोल्ड दिस बैक ऑन, इट्स अ 5 मिनट जॉब एंड यू शुड बी एबल टू डू दैट जस्ट फाइन। सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड लुकिंग इंस्पिरेशन, बट देयर इज वन मोर कैफे रेसर दैट आई एम गोना शो यू लेटर, बिफोर दैट लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट दिस वन, दिस इज़ द SUV कस्टम। तो या देर आर नो बिग ग्रिल्स ऑन दिस लाइक एन SUV, फाइन, बट दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट दी SUV क्राउड, पीपल हु वॉन्ट समथिंग मोर रगेड, तो उसके लिए ये SUV कस्टम यहाँ पे बनाया गया है। सो ये जो छोटा फ्लाई स्क्रीन आप देख रहे हो, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, दिस वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द एक्सेसरीज लिस्ट, बट दिस इज़ नाउ फिटेड एज अ पार्ट ऑफ द SUV कस्टम। यू ऑल्सो गेट दीज येलो रिम स्ट्राइप्स, यहाँ पे भी आपको नकल गार्ड्स नज़र आएंगे, एंड इवन दो ये SUV कस्टम है, ऑफ रोड के लिए थोड़ा सा इंस्पिरेशन है, यू स्टिल डोंट गेट दैट मेटल ब्रैकेट इनसाइड, इट्स स्टिल द सेम प्लास्टिक थिंग दैट वी सॉ ऑन द टूरिंग कस्टम और द कम्फर्ट कस्टम, राइट। यू ऑल्सो गेट दीज सैडल स्टेज हियर, यहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा बेटर होगा इज़ वॉट आई थिंक, बिकॉज यहाँ पे वो सैडल बैग्स अच्छे से माउंट हो जाएंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एनीवेयर, सो हियर इट डेफिनेटली वर्क्स बेटर। देर इज़ अगेन नो चेंज टू द सस्पेंशन ज्योमेट्री और द सीटिंग ज्योमेट्री, वो सब है वैसा ही रहता है, एंड यू गेट अ क्रोम लेग गार्ड हियर, आई थिंक इफ आई वॉज चूजिंग आई वुड चूज दिस इन ब्लैक, ये बाकी थीम के साथ ब्लैक ज़्यादा मैच करेगा, दैट क्रोम इज़ अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस, मतलब द ओनली अदर क्रोम दैट यू सी इज़ इन द मिरर्स, सो टू मी इट लुक्स अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस, बट लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो, बट या दिस इज़ द SUV कस्टम। अगली जो इंस्पिरेशन किट है वो है ये सोलो कैरियर, जैसे नाम से आपको पता चल ही गया होगा दिस इज़ फॉर द सोलो राइडर, तो इसलिए आपको सिर्फ राइडर सीट मिलती है, पिलियन सीट इसमें नहीं है, वो निकल के उसकी जगह पे आपको मिलता है ये यूनिट। तो यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट मिलेगा प्लस ये प्लेट मिलेगा, तो अगर आपका बड़ा लगेज लगाने का अगर प्लान है तो उसके लिए ये परफेक्ट है, यू कैन जस्ट रिमूव द रियर सीट, उसकी जगह पे 8 बोल्ट्स लगेंगे, 2 इस बाजू में 2 उस बाजू में और 4 ऊपर, और यहाँ पे आपका बड़ा लगेज आ सकता है। अब अगर आपको यहाँ पे कोई टॉप बॉक्स लगाना है, जैसे मान लो GV का टॉप बॉक्स है या हेपको बेकर का टॉप बॉक्स वगैरह है, तो वो लगाने के लिए उसका जो कस्टम प्लेट होगा वो आपको लगेगा यहाँ पे, या फिर थोड़े मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा
वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको. मे बी यू माइट हैव टू मॉडिफाई दिस अ लिटिल बिट, देन पुट वन ऑफ द माउंटिंग प्लेट्स एंड देन पुट द बॉक्स. तो वो थोड़ा महंगा होगा. तो आई होप होंडा इसमें थोड़ा नज़र डाले कुछ, यू नो, किसी OEM के साथ, GV के साथ वगैरह टाइप करके इन गाड़ियों के लिए लगेज सिस्टम्स बनाए. दैट वुड बी बेटर, क्योंकि जैसे हमने बाकी कस्टम्स पे भी देखा, थोड़ा वो जो कंफर्ट कस्टम है, फॉर एग्जांपल सैडल बैग्स, उसके लिए पर्टिकुलरली डिज़ाइंड, या फिर इसके लिए कोई टॉप बॉक्स, या फिर इसके लिए थोड़ा बड़ा टेल बैग वगैरह, दोज कस्टम डिज़ाइंड लगेज सिस्टम्स विल बी अ बेटर ऑप्शन इज़ वॉट आई थिंक. लेकिन हाँ, इस कस्टम का पूरा जो आइडिया है वो है द सोलो किट, एंड दैट इज़ वेयर योर लगेज विल गो. जो कॉमन एलिमेंट्स की हमने बात की वो तो सब है यहाँ पे, प्लस ये आपको यहाँ पे सिल्वर रिम स्ट्राइप्स मिलेंगे जो रात में थोड़े चमकेंगे भी. ये फ़िलहाल बहुत अच्छे तरीके से नहीं लगाए इन्होंने, थोड़े से बबल्स वगैरह हैं इसमें, लेकिन या योर डीलर विल होपफुली डू अ बेटर जॉब देन दिस. सो दिस इज़ द सोलो कैरियर कस्टम. लेट्स सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट. ये है मेरी सबसे फेवरेट इंस्पिरेशन किट आउट ऑफ ऑल द 6, और ये है कैफे रेसर कस्टम, लेकिन ये बेस्ड है हाइनेस के ऊपर, RS के ऊपर नहीं. जो हमने लाल वाली देखी वो थी RS कैफे रेसर, दिस इज़ द हाइनेस कैफे रेसर. तो ये जो फ्रंट सेक्शन है वो तो आपको सेम मिलेगा, जैसे मैंने आपको वहाँ कहा था कि ब्लू कलर में भी है. दिस इज़ द अदर कलर, दिस इज़ द ब्लू कलर. तो वन चेंज दैट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेक इज़ ब्लैक की जगह आई वुड वॉन्ट अ क्रोम एलन की हियर एज वेल, एन एलन बोल्ट हियर एज वेल, अ क्रोम वन टू जस्ट डू द मैच. एंड मे बी यहाँ जो हम डिकैल्स देख रहे हैं वैसा ही कुछ यहाँ पे, या फिर ऑफसेट कुछ. बट अगेन यू गेट द ड्रिफ्ट, द होल आइडिया इज़ कस्टमाइजेशन, यू कैन डू इट ऑन योर ओन. तो ये जो गाड़ी का लुक है आई थिंक काफ़ी बढ़िया है. जो ओल्ड स्कूल होंडा की CB कैफे रेसर्स हैं, या फिर जो पुरानी CBs हैं जिनको लोगों ने कैफे रेसर में कन्वर्ट किया है, उसकी तरह काफ़ी मिलता जुलता है, काफ़ी बढ़िया दिखता है. दिस वर्टिकल डिकैल अरेंजमेंट मेरे ख्याल में काफ़ी बढ़िया दिखता है ये. और जो रियर काउल है वो भी आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि ये उस काउल से काफ़ी अलग है जो हमने लाल पे देखा था. दैट वाज अ फ्लैटर लॉन्गर काउल, क्योंकि वो RS की सीट के ऊपर बैठा था. यहाँ पे पीछे का सीट निकाल दो, उसकी जगह पे ये बैठ जाएगा. दिस विल अगेन बी बोल्टेड ऑन देयर एंड यू विल गेट अ मच क्लीनर लुकिंग कैफे रेसर लुक. अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल देखो टेल की, दिस लुक्स सो मच बेटर. जो वो क्रोम फेंडर भी पूरा एक्सपोज दिख रहा है, आई थिंक इट लुक्स वेरी नाइस. सो मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट लुकिंग ऑफ ऑल द 6 इंस्पिरेशन किट्स. जो कॉमन एलिमेंट्स की हमने बात की थी वो सब यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा, लेकिन जो नीचे हमने पाइप टाइप का जो गार्ड देखा था उसकी जगह पे आपको ये बैश प्लेट मिलती है, जस्ट लाइक द RS. और ये जो पिन स्ट्राइप्स हैं यहाँ, वापस वही सिल्वर कलर के पिन स्ट्राइप्स हैं, बट यहाँ पे मेरे ख्याल में उन्होंने लाइट एंड डार्क सिल्वर, जैसे हम टैंक पे देख रहे हैं वैसा, या ब्लू एंड सिल्वर, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करना चाहिए था. बट अगेन दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन कस्टमाइज एट योर फेवरेट डिकैल गाय, दे शुड बी एबल टू डू इट फॉर यू इज़ व्हाट आई थिंक. बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लुकिंग ऑफ देम ऑल. आपको क्या लगता है ये मुझे बोलिएगा, एंड आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक. मेरे ख्याल में ये काफ़ी बढ़िया मूव है जो होंडा ने की है, बिकॉज यू सी ऑलरेडी 7-8 एक्सेसरीज़ या मे बी 10 एक्सेसरीज़ ऑलरेडी CB हाइनेस पे अवेलेबल थे. अभी ऑलमोस्ट कुछ 21-22 नए एक्सेसरीज़ ऐड हो रहे हैं थ्रू दीज किट्स. तो इसकी आइडिया ये है कि आप जब मोटरसाइकिल बाय कर रहे हो, जब गाड़ी खरीद रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो ऑर्डर वन ऑफ दीज किट्स. अभी इसमें आपके जो एग्जिस्टिंग पार्ट्स है वो स्वॉप आउट नहीं होंगे, यू हैव टू बाय द बेस हाइनेस और द बेस CB350 RS, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर बाइंग पेइंग एक्स्ट्रा फॉर द किट और इधर ऑफ द किट्स दैट यू वॉन्ट. अगर आपको किट नहीं चाहिए, आपको कोई स्पेसिफिक एक्सेसरी चाहिए, यू कैन इवन बाय दैट एक्सेसरी. बट द ब्यूटी ऑफ दिस इज़ मोस्ट ऑफ दीज एक्सेसरीज़ या फिर ऐसे टाइप के एक्सेसरीज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे, काफ़ी लोगों ने उनको खरीदा है, लगाया है गाड़ी के ऊपर. लेकिन अभी कंपनी खुद जब ये आपको एक्सेसरीज दे रही है, आई थिंक दैट इज़ वेयर इट बिकम्स अ बेटर बेट, बिकॉज थोड़ा वो ट्रस्ट आ जाता है उसमें. थोड़ी बिल्ड क्वालिटी पे आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो कंपेयर टू दी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़. और होंडा क्या कर रहा है कि इसको स्पेयर पार्ट्स की तरह ट्रीट कर रहा है. तो आपको वारंटी जो है, इवन इफ़ यू आर बाइंग इट विद अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, यू डोंट गेट द फुल वारंटी एज मच एज द मोटरसाइकिल. जो 2-5 वॉट एवर ईयर की आपकी जितने भी सालों की वारंटी है वो पूरी आपको नहीं मिलती. दिस इज़ ट्रीटेड एज अ स्पेयर पार्ट, सो यू गेट द 6-month स्पेयर पार्ट वारंटी ऑन इट. बट आई थिंक यू आर स्टिल गेटिंग सम वारंटी राइट, एंड इट्स डेवलप्ड बाय होंडा, सो दैट ट्रस्ट इज गोइंग टू बी बेटर. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव दैट होंडा इज डूइंग विद दिस. कस्टमाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोटरसाइकिलिंग राइट, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चॉइसेस मिल रहे हैं.
आपको इसमें से कौन सा इंस्पिरेशन किट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे बोलिएगा। आई थिंक दिस इज़ माई पिक फॉर श्योर, लेकिन क्या आप कुछ मिक्स एंड मैच करना चाहेंगे? मे बी सम पार्ट्स फ्रॉम वन ऑफ दीज एंड देन सम पार्ट्स फ्रॉम सम अदर इंस्पिरेशन किट। वॉट इज़ इट दैट यू वुड वॉन्ट? वॉट वेर दी अदर एक्सेसरीज दैट यू वर होपिंग कि होंडा इसमें इंट्रोड्यूस करे? प्राइसिंग के बारे में आपको क्या लगता है? इस सब के जवाब, इस सब का फीडबैक आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मी, इवन होंडा विल बी लुकिंग एट इट, सो होपफुली दे विल टेक सम इंस्पिरेशन फॉर बेटर इंस्पिरेशन किट्स। बट आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड मूव। द अदर थिंग दैट आई रियली लाइक इज़, देखिए एक्सेसरीज़ को ऐड करना बहुत आसान है, लेकिन ये इंस्पिरेशन किट्स बनाने के बाद इट गिव्स यू अ डायरेक्शन। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको एक डायरेक्शन भी मिलती है कि मेरी गाड़ी कैसे दिख सकती है, यू नो, इंस्टेड ऑफ जस्ट इमेजिनिंग लुकिंग एट द एक्सेसरीज कैटलॉग, यू आर एबल टू एक्चुअली टेक अ लुक एट दिस इंस्पिरेशन किट्स एंड डिसाइड ओके मे बी आई वॉन्ट गो विद दिस लुक, या फिर मुझे वो लुक ज़्यादा पसंद है, या फिर ये मिक्स एंड मैच मैं करना चाहूँगा। सो दिस सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड्स दैट गाइडेंस एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव। आपको क्या लगता है बोलिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड राइड सेफ।